फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और हमारे घर में तैयारी चल रहा है, बट सावित्री व्रत का जो पूजा होता है उसकी तैयारी चल रहा है। और इस वीडियो में आपको मैं पहले बता देती हूँ, इसमें 3 दिन का क्लिप है जो आपको देखने को मिलेगा और आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ गुजिया। और गुजिया जो मैं बना रही हूँ, मैं उतना अच्छी नहीं हूँ गुजिया वगैरह बनाने में, उतना अच्छे से आता नहीं है, मैंने गड़बड़ कर दी है। उसमें क्या किया मैंने, आटे में ना मैन ज़्यादा डाल दिया गुजिया के आटे में। उसके बाद हमने दोबारा से मिस्टेक क्या किया, जो हमने ठिकुआ बनाया हमारे गांव के इधर ना, उसको ठिकुआ बोलते हैं एक जो, और बोलते हैं एक जो हमने फिर गुजिया को पिरकिया बोलते हैं हमारे इधर। तो ठिकुआ में हमने क्या किया, उसमें भी गुजिया वाले में मैन ज़्यादा डाल दिया, ठिकुआ में हमने पानी डाल दिया। इतना मिस्टेक हुआ है क्या बताऊँ। उसके बाद भी इतने मिस्टेक होने के बाद भी इतना अच्छा, इतनी टेस्टी बना था, क्या बताऊँ। काश मैं आप लोगों को खिला पाती। और कलर देखे तो सच में आपको लग रहा होगा ना कि सच में बहुत अच्छा बना है थोड़ा सा, क्योंकि कलर वलर देख के भी ना आदमी का पता चल जाता है कि हाँ, सब्जी का कलर भी देख लो तो आदमी को पता चलता है हाँ भाई अच्छा बना है। तो उसी तरह आप ठेकुआ और फिर रखिए का कलर देख के आपको पता लग रहा होगा कि बहुत अच्छा बना है, सच में बहुत अच्छा बना है। कहते हैं ना, बनाते बनाते ही लोग सीखते हैं, तो मैं भी उसी तरह से सीख रही हूँ अभी बनाने के लिए। उतने अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, बट धीरे धीरे और भी 2 बार 4 बार बनाऊंगी ना तो मैं सीख जाऊंगी। तो फाइनली देखिए, हमारा ये बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद ये है हमारा दूसरे दिन का है ब्लॉग हमारा। देखिए, हमारे घर में फाइनली हमारे घर में आ गया है एसी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी आपको मैंने दिखाया ना एसी, डैकन का एसी हमने ले लिया है। फाइनली हमने कल ही लिया है, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं आप लोगों से। और कैसा लगा? स्प्लिट एसी हमने नहीं लिया, जो विंडो एसी था वही हमने ले लिया, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जानते हैं कहीं पे लड़के नहीं हैं। सारा कुछ मिला के 32 का पड़ा हमें, और लगभग समझिए उतना ही पड़ गया। वो शायद 40 का आता था ना, वो 40 का था, तो वही हुआ। फिर भी ठीक है, ये एसी बहुत है, इसको ही झेलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकती ऐसे कूलर से। सच कहूँ ना, कूलर से अच्छा एसी होता है हमारे लिए, तो खासकर अच्छा होता है, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, खांसी वगैरह होने लगता था। तो क्या होता है ना, कूलर का जितना भी पानी होता था ना, तो कूलर का पानी आपके वो तो शरीर पर ही जाता है ना, शरीर पर जा रहा है, आपके पेट पर जा रहा है, तो कूलर ज़्यादा नुकसान करता है मुझे लगता है इस मामले में। फिर एसी ठीक है, और नॉर्मल पे रखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बीच में हो, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी एसी लिया है, लेकिन बहुत सोच समझ के ही चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चिल्ड हो, तो उस तरह से भी नहीं चलाना है, क्योंकि बाहर का माहौल तो अभी सब जानते ही हैं क्या है। लेकिन उसके बिना भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि इतना ऊपर रह रहे हैं, एसी तो चाहिए हमें, इतनी गर्मी पड़ती है अभी तो भी, अभी तो गर्मी बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो कह रहे हैं अभी स्टार्ट हुई है गर्मी। आज हमारा फास्ट है, बट सावित्री व्रत का फास्ट है हमारा, तो एक दिन पहले हम लोग फास्ट रखते हैं। कल पूजा होती है बरगद पेड़ के पास, लेकिन यहाँ पे मैं कभी बरगद पेड़ के पास कभी गई नहीं हूँ। यहाँ पे ही पांडे जी ले आते हैं, तो मैं गमले में लगा के कर लेती हूँ पूजा। और सारी तैयारियाँ हो गई है, तैयारियाँ की होगी, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से सब कुछ होगा, लेकिन ये कोरोना ने जो है ना, कोरोना ने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मेहंदी भी नहीं मिला मुझे, बिना मेहंदी का कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता है, आप बताइएगा आप कैसे करते हैं। मुझे तो मेहंदी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेहंदी हाथों में रहती है तो अच्छा लगता है। तो जो है जैसे है उसमें ही हम कर लेंगे जितना है, क्योंकि मम्मी तो बता रही थी क्या बरगद पेड़ का ना भी हो तो भगवान जी के पास कर लेना पूजा, इस तरह से ही होगा। आज इस बार का पूजा कुछ अलग ही होगा, दिखाते हैं। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे घर वाले भी हमारी वीडियोस देखते हैं, इतने दूर रह के भी हमारी वीडियो देखते रहते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं तो वो देखते हैं, तो हर चीज़ शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। आज पता है आज हमें क्या बनाना है? आज हमें बनाना है कढ़ी चावल, बरी वो जो होता है ना, बरी वाली कढ़ी, तो वो बनाना अनिवार्य होता है हम लोग के घर में। वो चाहे सुबह बना लो मॉर्निंग में, चाहे रात में लेट नाइट तक बना के उसको रख दो, क्योंकि सुबह ज़्यादातर नहीं बनाते, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह बिना पानी पिए, जैसे आप सो के उठते हो ना, बिना पानी पिए आपको पूजा करना पड़ता है,
पूजा करने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चूल्हे के पास जाओ और बनाओ, तो वो कढ़ी चावल इसलिए बनता है कि वो कढ़ी चावल जो होता है ना हमारे घर में, उसको पूजा जाता है। जहाँ पे डस्टबिन है ना, वहाँ पे ही उसको पूजा जाता है। हल्दी का घोल लगाते हैं वहाँ पे, 7 घोल लगा के, और वहाँ पे उसको पूजते हैं, वही कढ़ी और चावल है। हर जगह हर छोटी छोटी ऐसी नियम है, हो सकता है शायद आपको अजीब लग रहा होगा जो मैं बताऊँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? तो देखिए मैं फिर से आ गई हूँ। ये देखिए ली हूँ बेसन, और बेसन का मैं बना रही हूँ लड्डू जो पूजा में लगता है, और हमारे इधर उसको बेसनोटी बोलते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ, वो कहते हैं ना शॉर्ट में, मैं बना रही हूँ उसको बेसन की लड्डू बना रही हूँ मैं। तो बेसनोटी का ही एक भाग होता है लड्डू, तो मैं उसको शॉर्ट में निकाल रखी हूँ कि उसको बेस लड्डू बना लूँगी, तो उसमें से पूजा में हो जाएगा। तो ये बेसन है, बेसन को घी में भून के लड्डू तैयार कर लूँगी। शायद सब लोग जानते होंगे बेसन का लड्डू, तो ऐसे भी टेस्टी लगता है खाने में। ये मैं भून रही हूँ बेसन, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी और घी। बेसन भून रही हूँ। अब मेरा उतना दिल नहीं किया ना, क्या उतना कौन पूरी वगैरह उतना बनाता है, तो मैं सोची चलो लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बेसन हमने बना लिया है। अब इसके थोड़े से ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं गोल गोल लड्डू बना लूँगी। और इसी तरह से करते क्या है, पूड़ी बना लेते हैं, और एक पूड़ी बना के और उसके बाद फिर गोल गोल करके ऊपर से दूसरा पूड़ी कवर करके उसको फिर छान लेते हैं। तो मैं सोची लड्डू, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है हमारे यहाँ बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू, पंखा और चना।
पहले नहीं, नहीं 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 आप नहीं कीजिएगा। तो ये हमने इस बार फैन पंखा बनाया है, इसी से हमारे यहाँ वो जो होता है ना पंखे से हस्बैंड को हुका जाता है, तो इसी से हुकेंगे इस बार पानी जी को। और अभी सबसे मुश्किल वाला काम बताती हूँ मुझे क्या करना है। ये जो चने होते हैं ना एक ही बार में इसको सारे के सारे गटर करना है, एक ही बार में हाँ सारे एक ही बार में करना है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ग्लास लाओ, ग्लास लाओ। आज हमारे साथ साथ सारे बच्चे उठ गए हैं और यहाँ पे भी मैं करती हूँ ना बड़ा मजा आ जाता है। ये चने हैं सात, छः छः के बाद ये इस बार इससे इस बार ये काम आएगा। ये देखिए स्पेशल पंखा, स्पेशल पंखा एसी बेकार है। पापा ये एक ही बार मौका मिलता है साल में पंखा झेल बने गए नहीं तब तो फिर नेचुरल पंखा कुछ ज्यादा नहीं आप बंद करके मजे ले रहे हो। हरे हरे पत्ते का पंखा मैंने जो होता है अच्छा ही होता है, हर बार तो बांस के पंखे से काम चलता था मजबूत में वो खजूर का पंखा मिला वो खजूर वाला। ये देख रहे हैं तो इस बार ये देख रहे हैं ये ब्लाउजों में पहन रखी हूँ ना, ये ब्लाउज मेरा सिलवाया हुआ नहीं है बिल्कुल, ये कोई और ब्लाउज है तो न्यू नहीं था हमारा तो किसी और का मैं पहन रखी हूँ। और साड़ी तो न्यू था, साड़ी लोग तो आप लोगों ने देखा था और चूड़ियाँ भी हमारी न्यू थी, ब्लाउज नहीं हुआ तो बोले चलो कोई नहीं जो है उसी को पहन के कर लेते हैं ना। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ मैं चेंज करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा खाना पीना हो गया है और अभी मैंने पिन भी निकाल लिया साड़ी का, पंखा भी नहीं था, बिना पंखा का हमने पूजा किया। और ये देखा आपने ये सारी चीज़ें तो आपको हम दिखा दिए और मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। चलिए फाइनली आज हम आपको दिखा देते हैं कि आज देखिए हमें क्या मिला है गिफ्ट में। ये देख रहे हैं मंगलसूत्र, मैं सोची चलो सही टाइम आने पे बाद हम आपको बता देंगे कि ये गिफ्ट मुझे मिला था बर्थडे गिफ्ट में मिला था, पांडे जी ने हमें दिया था बर्थडे गिफ्ट। तो ये मंगलसूत्र हमें मिला था बर्थडे गिफ्ट, मैं सोची चलो सही टाइम आने के बाद आप लोगों को बता देंगे क्या कब मिला था। ऐसे बर्थडे के बाद ही मिला था, मैं वो भी ले नहीं रही थी, मुझे लेना नहीं था, मैं इनसे मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अभी जान रहे हो क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं जानती ही हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दो चीज़ हमें महंगी महंगी चीज़ें दे दी, एक तो कैमरा दे दिया इन्होंने, डिज़ाइन अच्छी लग रही है बहुत ही पतली सी है अच्छी है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है बिल्कुल यूनिक सा है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस बार क्या हुआ, ये लॉकडाउन से पहले ना इन्होंने बहुत मोटी रकम मेरे ऊपर खर्च कर दी, एक तो कैमरा का और एक मंगलसूत्र ले दिया और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो पूरा ही खर्चा हो गया था क्या बताएं हमारा। तो हमने कहा आप तो पांडे जी फंस गए ना, आपने इतना मतलब महंगी चीज़ें दिला दिया उसके बाद लॉकडाउन भी बंद, आपके चारों तरफ से बंद हो गया, नुकसान ही नुकसान हो गया। बोले कोई बात नहीं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है बाय। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने।